बुरा तो लगेगा, मगर क्या करें। आपका बेटा ये? Guys, I need to tell you something. बहुत ज़्यादा excited हूँ मैं। तो मैंने उसे कहा कि किधर बहन जी? So let's keep on going. यार व्लॉग करने के चक्कर में मैं खाई जी डिग्या। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग नहीं है, 3 बजे हैं, पर आज सनी दिन है तो हम पार्क जा रहे हैं। आज मैंने लंच में खाई है बिरयानी। लाइक स्प्रिंग जैकेट पहनी है हिम्मत ने। सो हिम्मत ले रहा है बैकपैक, उसमें थोड़ा सा जूस है, स्नैक्स है, नट्स है एंड चिप्स है। पहले तो वो आने के लिए मान नहीं रहा था, पर अभी बड़ी मुश्किल से माना है। बहुत खुश है, बाहर आके कह रहा है कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल डे, लेट्स गो गाइस। हम जा रहे हैं फॉल पे वॉक करने के लिए। नायग्रा फॉल नहीं, अदर फॉल। गाइस मामा message me, I'm trying to end it before this begins. I already see what's going to happen. I think you deserve somebody better than guys. Temperature bahut zyada acha hai, 20 ho gaya hai. Himmat ka backpack dekhen, idhe jo ne snacks paya and everything, he's very excited. So ye wala wo area hai, fall hai yahan pe. सफ़र जारी हुआ है, अभी हमने एंटर ही करा है। सो काफ़ी ज़्यादा हाइक करने के बाद ही फॉल आएगा, मुझे लगता है अराउंड 3 किलोमीटर वॉक है। बहुत 3 किलोमीटर बाद आज क्राउड भी कम है क्योंकि वीकडे है, मंडे है, तो अच्छा है लोग नहीं मिलेंगे, तो मज़ेदार है। हम तीनों सफ़र जारी रखेंगे एंड डैडी इन्ने शैतान है, सारा अपना पानी पूनी मुंडे के बैकपैक च पाते। ओह डैडी ने एक बोतल होल्ड की हुई है। ओके सो डैडी ने भी शैतान नहीं है। मीमी यू आर टू स्लो। आई एम नॉट श्योर अगर आपको वो माउंटेन दिख रही हैं, वहाँ पे लोग स्की करते हैं, अभी भी स्नो जमी हुई है वहाँ पे। yeah? Guys, we found a different path. Why you found a new path, little guy? Because the other one was muddy. We found one new one and then we found this path. Come on. You know why it's muddy? Because the snow is melting. Oh, okay. Come on, guys. You liked it? I said, come on. Yeah. ओके अगर आप मुझे पहली बार देख रहे होंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि मैं जगह पे पहली बार आई हूँ। नहीं, बहुत बार आनी हूँ, पर मज़ा बड़ा आता मैं हर बार। आई डोंट नो आपको आ रहा है या नहीं, पर लोग का कितना पीस है इतने, सो प्रिटी दुनिया दे रोले तो दूर मज़ेदार। कोई सीड्स पाके गया है बर्डीज। दोस्तों सो यहाँ पे बहुत मज़ेदार है। एक्चुअली अभी स्प्रिंग है एंड पेड़ों पे अच्छी तरह पत्ते नहीं आए हैं, पर इस प्लेस पे काफ़ी ज़्यादा शेडो है क्योंकि यहाँ पे वो वाले पेड़ ज़्यादा हैं जिनमें पत्ते झड़ते नहीं हैं। गाइस वी फाउंड अ बिग माउंटेन, गाइस वी फाउंड अ बिग माउंटेन इज देयर एंड वी फाउंड द एज, वी फाउंड इट राइट देयर, यू मस्ट चेक बिफोर मामा टॉक्स। ओके बहुत मज़ेदार गर्मा गर्म हवा चल रही है और बहुत ब्यूटीफुल है यहाँ पे। हम ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें फॉल पे पहुँच रहे हैं, अदरवाइज हम लेट हो जाएंगे। सो लेट्स कीप ऑन गोइंग, लेट्स डू दैट। ओके या हिम्मत सही कह रहा था कि ये माउंटेन का एज है, वो खाई है एंड हिम्मत अपने डैडी का हाथ फड़ के बहुत केयरफुली जा रहा है। और एक और बात गाइस, लुक एट ये रास्ते को देखिए, ध्यान से देखिए इस रास्ते को। तो अगर आप अमेज़न का शिट्स क्रीक देखते हैं तो उसमें एक एपिसोड है जिसमें डेविड पेट
ट्रिप के साथ हाइक पे जाता है, और उस हाइक को देख के मुझे लगा कि यार ये तो मेरा बहुत ज़्यादा जाना पहचाना प्लेस है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वही है जो मेरे बिल्कुल घर के पास है, 2 मिनट दूर मेरे घर, तो स्पेशली वो वाली पार्क जो रियली 5 मिनट्स दूर है। तो फिर मैंने सर्च की कि शिट्स क्रीक की शूटिंग कहाँ पे हुई है, गेस व्हाट, उसी पार्क में हुई है जो मेरे घर से 5 मिनट दूर है। इतना मज़ा आया ना मुझे, इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया यार व्लॉग करने के चक्कर में, पर मैं खाई चिड़ गया यार, फॉल दी आवाज़ तो बहुत आँदी पई है। गाइस आई एम नॉट श्योर आप देख सकते कि नहीं, वहाँ पे फॉल है, फॉल ज़्यादा गर्मी में सूख जाता है क्योंकि पानी कहाँ से आएगा यहाँ पे, पर अब काफ़ी है क्योंकि क्या स्नो मेल्ट हो रही है, और मुझे डर लग रहा है व्लॉग कर देगा दे, पर मैं इधर खाई चिड़क जाते आओ ब्लूम करके देख And you're gonna tell me to ease up on the drumming, spend more time with you because you're not feeling important. And I'm not gonna be able to do that. And really, I'm just gonna start to resent you for even asking me to stop drumming. And we're just gonna start to hate each other. And it's gonna get very, it's gonna be ugly. And so, those reasons, I'm gonna just, break it off clean. Well, I don't know if I'm not going close to it. Maybe it's a well of death. Maybe it's death. Guys, is it a well, Anna? 12,000 तो 14,000 साल पहला बने आई, इन्नी पुरानी चीजें वे के तो मैं डर ही लगता पहला, वो गाइस मैंने छोड़ के चले गया भजो फाउंड देम। अच्छा पानी है, आप वो देखे कि अभी वो जायंट सा स्नो का बना हुआ है, आइसी स्नो वहाँ पे भी है, और मज़ेदार है, मज़ा आया, और मच्छर भी नहीं है एंड लोग भी नहीं है, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ मैं हिम्मत एंड हस्बैंड ही है फिलहाल के लिए, और इतना ब्यूटीफुल व्यू देख रहे हैं। यहाँ पर आए हैं कुछ सैलानी, उनके साथ बात करते कि उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। हेलो सर, अगर आपका एक टाइम लेंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बुरा तो लगेगा, मगर क्या करें। केबल टीवी की तरफ से हम लोग आए थे देखने के लिए कि यहाँ पे सैलानियों की इतनी भीड़ रहती है, आपको इस जगह पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या आप और सैलानियों को कहेंगे कि वो आए? और सालियों को कहूँगा कि आओ। सालियानी सैलानी, हमारे ये जो बंदे हमने पकड़े हैं ये थोड़े ठीक ठाक मालूम पड़ते हैं, इनसे दोबारा से पूछते हैं। सर दोबारा से सही तरह बोलिए। ओके सर, यहाँ पे आके आपको कैसा लगा? यहाँ पे देखने के लायक क्या है? मंत्र मूत्र मुग्ध हो गया है। मूत्र ओके, ये बच्चा समझदार लग रहा है इससे पूछते हैं। हाय लिटिल गाय, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब क्या कर रहे हो? मैंने पिकनिक जा रहा हूँ। ये सैलानी हमें थोड़े सीधे मालूम पड़ते हैं। सैलानी मनी सैलानी उन द ट्रैवलर्स। आई नो। आप अपने मित्रों को संदेश देना चाहेंगे हमारे टीवी के जरिए? हम आपको काफी देर से देख रहे हैं कि आप दोनों, आपका बेटा ही है? रस्ते से पढ़ रही हूँ कितना कहने। आपकी बीबी नहीं आई आपके साथ? बीबी घूम गई, मेरी जंगल में घूम गई। और लिटिल गाय, आपकी माँ नहीं आई आपके साथ? मेरे डैडी, मैंने मम्मा आ रही थी। आ गई ही, कितने गई फिर? Don't you know it?
लाओ कपड़े, मारो डुबकी, करो अपने पाप क्लीन। वो गर्म पानी ना होने दिया प्यारी, ला के डुबकी मार के हो जा हो जा। वो कहते हैं मैं रोड जा ये कहनी है मैं रोड जा। बंदा नाक बंद करके मार दा डुबकी, रब तो मांगदा माफी। जनानी करे हां बंदा अपने पाप तो के हो जांदा तू ही क्यों पाप दी कटड़ी बन्नी आ मोढे लाई आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਕਰੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਪਾ ਪਿਆਰੀਏ ਕੁਰਕਰੇ ਪਾਪ ਦੀ ਗਠੜੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੋ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਐਂਡ ਡੈਡੀ ਵਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਪਾਣੀ ਕੋ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਿੰਮਤ ਕੋ ਪਾਣੀ ਸੇ ਖੇਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਫੋਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਲਵਸ ਇਟ ਵਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਮੈਲਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਹੋਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਟੇਬਲ ਪੇ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਔਰ ਹਮਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹਿੰਮਤ ਕਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਿਪਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥਾ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਚ 'ਚ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਚ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬ੍ਰੇਕ ਉਸਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਥਾ ਉਹ ਐਂਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਬ ਵੋ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਦੋਨੋਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸਾਥ ਛੇੜਖਾਨੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਔਰ ਬੈਠਤੇ ਹੈ ਦੈਨ ਹਮ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵੀ ਹਮੇ ਅਰਾਊਂਡ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੋ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਗਾਇਜ਼ ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੇਚਰ ਮੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਿਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਸੋਲ ਕੇ ਸਾਥ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰੇਂਗੇ ਆਪ ਅਗਰ ਆਪ ਨੇਚਰ ਮੇ ਸਮੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇਂਗੇ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲੀਏ ਬੰਦ ਕਰ ਮੈਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਪਰ ਅਬ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਲਾਈਕ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਕਨੈਕਟ ਗਾਇਜ਼ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ ਸਮਥਿੰਗ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦ ਵਾਟਰ ਮਾਈ ਡੈਡੀ ਗੈਟ ਮੀ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਹੀ ਵੈਂਟ ਅਵੇ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਸਕੇਅਰਡ ਦੈਨ ਆਈ ਬ੍ਰੀਥਡ ਇਨ ਬ੍ਰੀਥ I was scared a little, but then I was brave. I run, and I been brave. I came here, and I was sitting here, and I was... And guys, I did it myself. I did it. I'm proud of myself, okay? हाय दोस्तों, तो हम लोग पार्क से सीधा आ गए होम डिपो क्योंकि मुझे चाहिए कुछ सामान घर को बेसमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए सो मैं लेने वाली हूँ रैक एंड ऑर्गेनाइजिंग बेंस एंड कुछ रैंडम स्टफ सो लेट्स गेट इट She's helping us to find a new one. Why I say thank you to you? You're not helping. Mm-hmm. Okay, thank you, Himmat. Yep, sure. तो मुझे ऑर्गेनाइजिंग वाले बिन्स मिल गए एक्चुअली मैं दो लेना चाहती हूँ क्योंकि एक मैं गैराज को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ सो ए वाला लेना चाहूँगी मैं दो हेलो दोस्तों तो लाइव अपडेट है स्टोर से एक्चुअली हमें वो रैक तो मिल गया है पर यहाँ पे है नहीं तो जो लेडी हमारी हेल्प कर रही है वो चेक करने के लिए गई हैं कि और उनके पास है या नहीं अगर उनके पास होगा एक तो एक ले लेंगे अगर दो से ज़्यादा होंगे तो मैं दो ले लूँगी सो फिलहाल मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ उनके आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं रैक को लेने के लिए मेरे पति की खुशी तो संभाल ही नहीं जा रही बहुआ देखियो हमारी इंडिया की हस्की ऐसे मान ऑर्गेनाइज कर लिया ऐसे बंदा स्नैक्स रख के जिंदा लाए गाइस लुक एट दिस गोदरेज जैसी अलमारी ब्रांड का नाम है हस्की किन्ने दिया 3 जिलियन हेलो दोस्तों तो अब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ आपको स्टोर के बाहर से सूरज डूब रहा है और मेरा दिल भी डूब रहा है वो इसलिए क्योंकि उनको उनके पास मुझे रैक नहीं मिले जनानी जो थी वहाँ पे काम करने वाली जो औरत वहाँ पे काम करती थी उसने क्या किया मुझे खड़ा करके चल गई लब्बन ले रैक हजारों सालों बाद उधर उधर घूम रही कहीं पे तो मैंने उसे कहा कि किधर बहन जी शी सेड व्हाट मैं कहा कि आर्ट यू लुकिंग फॉर अ रैक फॉर मी शी सेड एम आई दैट रैक करी वी डोंट हैव इट और यार उतने मैं 20 मिनट उसकी वेट की मैंने तो इदा कह रही हूँ मैंने जान दी नहीं जिदा फिर वो कह रही मैंने चेक किया आई चेक्ड एवरीवेयर मे बी वी हैव दैट इन द शिपमेंट वी हैवंट रिसीव इट येट मोस्ट प्रोबेबली वी गोना गेट इट विद इन 2 days और सो मैं चल लगा रही सब मुकदी गला नहीं मिले 2-4 दिन बाद पर लुक एट दिस लेडी अपनी मर्जी से घूम रही है जो मैं
कंपनी वाग दी सैर कर रही हूँ। वो तो अच्छा होगा कि मैं बाहर निकल गई आयल से और मैं लभ लिया उन्होंने। वो तो चिल कर दी पी अपनी, चिल कर फन कर। ओके सो अब हस्बैंड बिजी है फ़ोन पे, कल बात कर रहे हैं किसी के साथ, आई डोंट नो। और जब वो डन होंगे तो हम यहाँ से रवाना होंगे। वैसे यहाँ पे डॉलर स्टोर भी है। मिमी के लिए मुझे कुछ सप्लाईज चाहिए, पर हम मेरा दिल नहीं कर रहा। अब मैं घर जाना चाहती हूँ, लाइक आराम करना चाहती हूँ, चाय पानी पीना चाहती हूँ, खाना चाहती हूँ, लाइक आई एम फीलिंग काइंड हंगरी। सो मैं आपको मिलती हूँ घर जाकर। चंगा दोस्तों, बाय। ओला पति ने वी हो पहुँच चुके हैं। हमें मिले हैं दो पैकेजेस एंड मैंने खरीदे हैं मेमोरी कार्ड्स। हज़ारों मेमोरी कार्ड्स खरीदती रहती हूँ मैं, इस बार मैं 64 GB खरीदे दो। ओके एंड फाइनली मेरा मशीन का फुट भी आ चुका है। पिछली बार मैंने खरीदा था सिंगर का रोल्ड हैम फुट, ये है पीको करने के लिए, एंड समय पे आया नहीं एंड मेरा सूट कंप्लीट नहीं हुआ, तो मुझे वैसे ही वीडियो बनानी पड़ी, जो कि मुझे मज़ेदार नहीं लगता था क्योंकि मुझे फटीजी चुन्नी लेना बिल्कुल चंगा नहीं लगता, पर मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी तो मैंने कर ली। तो अब मुझे पैर मिल गया है। एक्चुअली लेट मी टेल यू हुआ क्या था, मैंने सिंगर मशीन के ब्रांड से खरीदा था ये फुट पीको वाला, आई थिंक $40 का आया ये अनजा पैर। सो ऑल ही मैंने लगा मशीन है 40 का पैर, सही नहीं करवाने ना। सो उनसे मैंने खरीद लिया ये एंड उन्होंने डिलीवर कर दिया किसी और शहर में, किचनर में, जिथे ना मैं कभी गई या ना मुझे पता। सो रिफंड करवाया मैंने, अब मैंने दोबारा से खरीदा था। इस बार भी मुझे डर लग रहा था कि वो मिलेगा या नहीं, पर फाइनली मिल गया और मैं बहुत खुश हूं। अब मैं मेरी ड्रेसेस को बना सकती हूं, क्योंकि ड्रेसेस पे मैं रफल्स लगाना चाहती हूं और रफल्स को लगाने के लिए मुझे उनको पीको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज बहुत अगली लगूंगी। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के लिए और मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी मशीन पे फिट होगी, क्योंकि मैंने चेक किया था मेरी मशीन का मॉडल एंड इसका सेटअप कि ये मेरी मशीन पे फिट होता है। आई एम वेरी 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 एक्साइटेड। अब इसको चला के देखेंगे कि ये वैसे ही फिनिश देता है जैसे मुझे चाहिए। सो यस, दैट्स इट, एक्साइटेड। एंड हस्बैंड गए हैं पीओ बॉक्स चेक करने के लिए और तब तक मैं बाहर बैठ के पति की वेट कर रही हूँ। मुझे लगा था कि मेरे पास चाबी नहीं है डोर खोलने के लिए, पर चाबी हिम्मत ने ढूंढ ली है मेरे बैग में से और वो अंदर जाके हैंड वॉश कर रहा है। यार भूख लगी है भाई, इसकी जगह ना तड़का लगता है, पता नहीं की बना दे। एंड फुलके की खुशबू भी आ रही है, जैसे फुलका फुलदा है ना गैस की खुशबू आती है आटे की, वो भी आ गई है। मैंने लगा किसी जगह भिंडिया बन गया। गाइस अंदर जा के भी यही बोलना जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इन्हों पता नहीं ये गल कि रट गई है। और लाइक सो हस्बैंड लेके आए हैं पीओ बॉक्स से एंड आई गॉट ज्वेलरी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर की ज्वेलरी है, इयररिंग्स है एंड एक नेकलेस है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस, लेट मी चेक। ओके इयररिंग टूटा हुआ है। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग। यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट। बाय, आई लव यू।